गांव पे हूँ, टावर की व्यवस्था लचर है इसलिए कट गया था वीडियो मेरा। दोस्तों, जिस तरीके से मैं भाषण सुन रहा हूँ उसी पे मैं कुछ मुद्दों पे कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से लोग तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं किस तरीके से डराया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अपराध को खत्म किया गया। अपराध कहाँ खत्म हुआ है, किस स्टेट से खत्म हुआ है, किस प्रदेश से खत्म हुआ है, मुझे बताया जाए। जिस मुख्तार अंसारी की बात हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, ये मुख्तार अंसारी अखिलेश की सरकार में ही जेल जा चुके थे, लगभग 17 वर्षों से जेल में है। अतीक अहमद पहले से ही जेल में है। हाँ, इनकी संपत्तियों का जांच करा के आप लोगों ने बुलडोजर चलाया, तो मैं तो यह सोचता हूँ कि बुलडोजर नहीं चला करके उसको सरकार को अपने अधीन करके उन सारी संपत्तियों पे स्कूल कॉलेज खोलना चाहिए था, कोई सरकारी संस्था खोलनी चाहिए थी, ना कि उसे बुलडोजर चलाना चाहिए था। बुलडोजर के माफिया आप बन रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं अपराध से दूर रहूँगा, अपराधियों से दूर रहूँगा, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में 52 ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं और उनको टिकट मिला है। सुशील सिंह क्या है, ब्रजेश सिंह क्या है, तमाम ऐसे लोगों का मैं नाम बता सकता हूं। आपके ही विधायक आपके ही सरकार में सजाफ्ता हुए हैं, आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं। मैं चाहता हूं कि विकास के मुद्दे पर बात हो। अखिलेश यादव की आप बात करते हैं तो अखिलेश यादव विकास के मायने में कहीं कमजोर नहीं है। अखिलेश यादव के पास विजन था, अखिलेश यादव ने विकास किया है, अखिलेश यादव रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट बनाया, एक्सप्रेसवे बनवाया, मेट्रो का जाल बिछाया। लखनऊ में जो मेट्रो देख रहे हैं सब अखिलेश जी का देन है। मैं नहीं कहता कि सरकार कुछ नहीं की, लेकिन सरकार बिना मतलब की वाहवाही लूट रही है, ये ठीक नहीं। राजनीतिक में इस बारी जिस तरीके से ब्राह्मणों ने 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से दूध की मक्खी के समान भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों को निकाल दिया, ये मुझे देखने को मिला है। मजबूत ब्राह्मणों को दरकिनार किया गया और वही कमजोर, जैसे कि हमारे बलिया के एक विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अब पैर छुड़वा कर टिकट देता है लोग, तो उन्होंने उनका टिकट कट गया। मैं उसी बात पहले से ही कह चुका हूं कि दलालों और चाटुकारों की अब राजनीति में जगह है। राजनीति में अब जनता के सुख दुख का साथ देने वाला, सुख दुख में खड़ा होने वाला व्यक्ति, जो जनता जिसको चाहती है, उसको राजनीति में अब बड़ी पार्टियां अपना शिकार बना रही हैं और उनको टिकट से वंचित कर रही हैं। 2022 में पता चल जाएगा कि आपने 5 साल में क्या विकास किया है। चुनाव हो रहा उत्तर प्रदेश में, 2022 में शिक्षित युवा रोजगार को की खोज करने वाले युवा साथी बता देंगे आपको कि आपको कितना वोट इस बार मिल रहा है और आपकी सरकार कितने वोटों से बन रही है, कितनी सीट आपको मिल रही है। जिस तरीके से भाषण हमारे बड़े बड़े नेता दे रहे हैं, इस भाषणों पे मुझे हंसी आती है। झूठ, सिर्फ झूठ, सिर्फ लुभावने। आप कहते हैं कि मैं अनाज दे रहा हूं, अरे अनाज दे रहा है तो क्या कि कोई अपने बाप के घर से दे रहा है? हमारे ही टैक्स, हमारे दिए हुए टैक्स से आप मुझे अनाज दे रहे हो। पेट्रोल का दाम बढ़ाया, डीजल का दाम बढ़ाया, यूरिया का दाम बढ़ाया, खाद का दाम बढ़ाया, बस के किराए का दाम बढ़ाया, ट्रेन के किराए का दाम बढ़ाया, प्लेन के किराए का दाम बढ़ाया, सब पे दाम बढ़ाकर टैक्स दर टैक्स लगा करके हमसे ही पैसे वसूल करके अगर हमको 100 रुपये आप परोस करके दे रहे हो तो क्या मुझे भीख दे रहे हो? किसी की सरकार रहती तो ये काम करती, लेकिन जिस तरीके से आप ढिढोरा पीट रहे हो कि दाल चावल दिया, तेल दिया, ये शोभा नहीं देता। लगता है कि आप अपने घर से दे रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं सरकार के बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए उन महाराजा से जो ये उद्घोष करते हैं कि क्या अपने खेत से, खेत आपके खेत में उपज हुआ था वो अनाज जो आप हमको दे रहे हो?
आप अनाज दे रहे हो, लगता है खैरात बांट रहे हो उनको, हमारे ऊपर एहसान जता रहे हो आप, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, मेरे ही टैक्स को मुझे दे रहे हो आप, मेरे ऊपर जबरदस्ती थोपी गई महंगाई और थोपे गए टैक्स को आप मेरे ऊपर, मेरे को फिर उसी को मुझसे आप 10,000 लूटते हो और मुझे 100 का अनाज देते हो। ये जनता आप समझदार है, समझ रही है, आपको सिखाएगी सबक, 2022 में पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आपकी क्या हैसियत है और क्या औकात है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं उस पार्टी में हूं, मुझे निकाल दो आप, मैं स्वयं इस्तीफा देने वाला नहीं हूं, मुझे आप निकाल दो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप हमारे देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, आप लोग समझो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जिस तरीके से देश को तोड़ने की बात हो रही है, देश को हमेशा जो हिंदू मुसलमान में लड़ाने की बात कर रहे हैं आप लोग, कहता कि मैंने मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर हमारा आस्था का केंद्र है, हमारा विश्वास है राम मंदिर में, भगवान राम में हमारा विश्वास है, हमारा आत्मा बसता है, लेकिन कोर्ट के आदेश पे और मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमारा चंदा है, सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है, हमारे और आपका चंदा से वो मंदिर का निर्माण हो रहा है। मनोज तिवारी यार तुम ऐसी थर्ड ग्रेड की बात कर रहे हो कि टिकट नहीं मिला तो लेक्चर दे रहे हो, टिकट टुकट की मैं मांग नहीं करता, मैं भीख नहीं मांगता, मैं किसी नेताओं के दरबार और पत्थर में नहीं चाटता, मैं ऐसे टिकट को 100 बार लात मारता हूँ, अब लिख रहे हो टिकट ऐसे ऐसे टिकट को मैं लात मारता हूँ, 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लालू यादव ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं देखो उनकी हैसियत बताने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी मुझे लाई थी, मेरा तेल लगा करके मुझे 2019 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया था कि आप लोग इस तरह से बात बोलते हो, मैंने भारतीय जनता पार्टी से कभी टिकट नहीं मांग किया है, हाँ मैंने आग्रह किया था कि मैं लड़ना चाहता हूँ, अनुरोध किया था कि मैं लड़ना चाहता हूँ, पार्टी के लिए काम किया था, मैं लड़ना चाहता था, मुझे टिकट से वंचित किया गया, योगी आदित्यनाथ की नज़र में मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ, मेरा टिकट कटवा दिए। प्रमोद तिवारी तुम्हारे जैसे जैसे ब्राह्मण, तुम्हारे जैसे जैसे ब्राह्मण ही नपुंसक हैं जो ऐसी बातें भाषा बोलते हैं। तिवारी जी आप लोग मिश्रा जी हो पांडे जी हो सब कुछ आप लोग ऐसी सी भाषा बोलते हो, लगता है राजन तो तलवा चाटता किसी का, राजन तो मर सकता है झुक नहीं सकता है, टिकट नहीं मांग सकता किसी से, मैंने पार्टी से कहा था कि मैं वर्क किया हूं, 2019 में ज्वाइन करने के बाद आपने मुझे आश्वासन दिया था कि चुनाव लड़ाऊंगा, आपने टिकट से वंचित किया। बात करते हो, मैं किसी का भीख नहीं मांगता, मैं विधायक बनूं ना बनूं, सांसद बनूं ना बनूं, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन राजन तिवारी तो कभी भी था कभी भी हूं और कभी भी रहूंगा। बात करते हो ब्राह्मण, ये ब्राह्मण कौन है, ऐसी कुत्ती जात है कि इन लोगों का नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, आपस में लड़ लड़ के आप लोग लड़ने और लड़ाने वाले लोग आप लोगों के साथ हैं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अरे ब्राह्मणों मिट जाओगे तुम लोग, अभी भी आंख है, चेत लो, सोच लो, 16% की आबादी तुम्हारी है, ब्राह्मणों की है, उत्तर प्रदेश में तुम मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हो, नहीं बन सकते हो नरेंद्र तिवारी के बाद, और 9% की आबादी वाला उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज का अपने आप को नेता समझने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, देख लो आप लोग कहां हो, अपनी आबादी को समझो, अपनी आबादी को पहचानो, कम से कम और स्टेट में ही उत्तर प्रदेश में पहचानो, आप लोग बात करते हो, उनको सबक नहीं सिखाओगे ना तो तुमको तुम्हारी औकात तुम्हारी हैसियत का औकात का उन लोगों को पता नहीं चलेगा, इसलिए सबक सिखाओ आप लोग, आप बात करते हो। राजन तिवारी किसी का तलवा चाट कर टिकट लेना चाहता है, मैं हमेशा लड़ा हूं, हमेशा जो ब्राह्मण के खिलाफ बोला है, पिछड़ी के खिलाफ बोला है, दलित के खिलाफ बोला है, मैं उसके खिलाफ लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, मुझे कोई गम नहीं है कि मेरे ऊपर मुकदमे लगा दिए जाएंगे, मुझे कोई गम नहीं है। बोलते हो आप लोग टिकट, अरे टिकट क्या चीज है यार, बार बार करते हो आप लोग, हमारे ही बच्चे सिर्फ नौकरी नहीं पाएंगे, आपके बहुत अच्छे नौकरी पाएंगे, अगर बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं खोजा जाएगा, सरकार नहीं खोजेगी, नहीं व्यवस्था करेगी तो भीख मांगेंगे बच्चे हमारे आपके। सरकार का सबसे प्रथम काम है कि शिक्षित बेरोजगार को नौकरी की तलाश करना, नौकरी रोजगार देना, वांट निकालना, कापियां लीक हो जा रही हैं, मुझे नहीं पता है कि कापी लीक करवाया था उसमें भाजपा का हाथ नहीं है, आप ही के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं जो देवरिया से टिकट पाए हुए हैं, अगर जांच हो जाए सही तो उनका भी नाम आ जाएगा। बात करते हो आप लोग किस तरीके से पेपर लीक हो रहा है हमको नहीं पता है उत्तर प्रदेश में। बात करते हो बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहते उत्तर प्रदेश में कानून करा जाए, दलित हो पिछड़ा हो किसी को सम्मान है क्या,
और कहते हैं कि मुख्यमंत्री में हम सबसे ज्यादा नंबर देते हैं विगत अगले 2012 से लेकर 17 तक, तो अखिलेश को देते हैं, 17 से 22 तक मैं आदित्यनाथ जी को नहीं देता हूं, जो करना हो कर लेना मेरा, जो उखाड़ना होगा कोई उखाड़ लेगा। बात करते हो आप ब्राह्मण, अरे ब्राह्मणों आपस में यूनाइट लाओ, यूनिटी लाओ, और संस्कार ही ब्राह्मणों को खोजो, संस्कारहीन को नहीं। संस्कारहीन तो हर जगह मिल जाएंगे लेकिन संस्कारी बहुत कम मिलेंगे, समझे ना। बात करते हो आप लोग, इस बार नहीं जगोगे तो कभी नहीं जगोगे। उत्तर प्रदेश में आप लोग मुख्यमंत्री देख लो अपने सामने, मुख्यमंत्री किसको बनाया जा रहा है, 9% वाला मुख्यमंत्री या 16% वाला पिछलग्गू बन के घूम रहा है। बात करते हैं आप लोग, इससे बढ़िया है कि कृष्ण का वंशज है अखिलेश उसके साथ रहेंगे, क्या बिगाड़ लेता है मेरा लोग। सरकार बन जाएगी अखिलेश का तो क्या बिगाड़ लेगा लोग, कोई ब्राह्मणों का। लोग कहते हैं कि डराते हैं कि 8 बजे के बाद आप लोग घूमते नहीं थे, लोग डराते हैं कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, कब, हम भी तो हो गए 40-45 साल के, हमको नहीं लगता कि कभी हम लोग को डर लगा है। उत्तर प्रदेश में बचपना बीता, छोटा से छोटे से जवानी तक देखा हूं, कभी तो नहीं डर लगता था कि आप लोग सुरक्षित हो, सुरक्षित हो भाषण में दिया था, क्या असुरक्षित थे जी, पहले कोई हम लोग को मार देता था, हमारे अपने ही देश में हमको सुरक्षा दी जा रही है, अरे असुरक्षित आप लोग कर रहे हो, असुरक्षित आप लोग कर रहे हो। हम लोग पूरी तरह से देश से आजादी के बाद से सुरक्षित थे, सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। हाँ, एकता और अखंडता को, एकता और अखंडता को आप लोग तोड़ रहे हो, भाषण में थोड़ा सा भी भाषण विकास का नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भाषण जो है शिक्षा बेरोजगार, शिक्षा और रोजगार पे नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भाषण जो है आप लोगों का युवाओं को रोजगार कैसे मिले, देश की स्थिति कैसी सुदृढ़ हो, जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़े, देश में किस तरह से देश की बेरोजगारी दूर हो, देश की किस तरह से अर्थव्यवस्था ठीक हो, ये सब पे विचार नहीं हो रहा है, सिर्फ धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट की बात करते हैं। मैं अपने सारे दोस्तों से कह रहा हूं, शेयर करो इसको, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे उतना आपको फायदा होगा, शेयर नहीं करोगे रोजगार नहीं मिलेगा। ट्रेन बिक गई, ट्रेन बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, LIC बिक गया, सारे को प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन दिया जा रहा है, अदानी और अंबानी बढ़ते चले जा रहे हैं, कोरोना काल में 2 साल में 3 साल में कोरोना काल में सारे लोगों की अर्थव्यवस्था घटी, देश की अर्थव्यवस्था टूट गई, लेकिन माल व्यवस्था किसका बढ़ा, तो अदानी और अंबानी का बढ़ा, बड़े बड़े उद्योगपति करोड़ राजा बन गए और हमारा देश पीछे चलते चला गया, छोटे लघु कुटीर उद्योग बंद हो गए, सारे अपने यहां